रविवार को यूपी सरकार ने शपथ ले ली। 47 मंत्रियों वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में सिर्फ एक मुस्लिम चेहरा है, जिनका नाम है मोहसिन रजा। आइए जानते हैं कौन है मोहसिन रजा। मोहसिन रजा ने 19 मार्च को उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में एकमात्र मुस्लिम चेहरा है। विधानसभा चुनाव के दौरान इस बात को लेकर काफी चर्चा रही कि बीजेपी ने किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया, इसलिए 300 विधायकों का आंकड़ा पार कर भारी बहुमत से सत्ता में आई बीजेपी के पास कोई मुस्लिम विधायक नहीं है। मोहसिन रजा भी न विधायक हैं न विधान परिषद के सदस्य। एक मंत्री के रूप में 6 महीने के भीतर उन्हें दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। मोहसिन रजा लखनऊ के रहने वाले हैं। उनका जन्म 15 जनवरी 1968 को हुआ था। मोहसिन रजा ने लखनऊ विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट किया है। वे पूर्व क्रिकेटर हैं और कई रणजी मैच खेल चुके हैं। वो अपने भाई अरसी रजा के साथ मिलकर एक क्रिकेट अकादमी भी चलाते हैं। दिलचस्प है कि अरसी रजा कांग्रेस के नेता हैं। 2013 में मोहसिन रजा को बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने पार्टी में शामिल कराया था और ऐसा कहा जाता है कि अभी भी केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से उनकी नजदीकी बनी हुई है। 1 फरवरी 2014 को मोहसिन रजा ने एक ब्लॉग लिखकर ये राय जताई कि मुसलमानों को बीजेपी का समर्थन क्यों करना चाहिए। उन्होंने लिखा, लोगों का मानना है कि बीजेपी एक हिंदू पार्टी है, लेकिन ये सभी धर्मों को मौका देने में यकीन करती है। अब देखना है कि बीजेपी ने जो मौका मंत्रिमंडल में मोहसिन रजा को दिया है, वैसा मौका वो अपनी नीतियों में प्रदेश के अल्पसंख्यक आबादी को देती है या नहीं।